के द्वारा दोषी पाया गया है। दो एक्यूज थे इस केस में, सुनील राम और विधायक। क्या पनिशमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग की अपील तो जाना ही जाना है। जब नीचे से कन्विक्शन। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। अनंत सिंह दोषी करार दे दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले अनंत सिंह पहुंचे थे पटना के सिविल कोर्ट, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनंत सिंह पहुंचे थे सिविल कोर्ट। देखिए, मामला जो है वो 2019 का है। 2019 में जब उनके पैतृक आवास यानी कि नदवा में उनके घर पर छापेमारी हुई थी, तो वहाँ पर से हैंड ग्रेनेड और AK-47 की बरामदगी हुई थी। देखिए, 2019 से ही मामला चल रहा है। अगस्त 2019 में जब छापेमारी हुई थी, उस वक्त से ही अनंत सिंह पर जो मामला है वो चल रहा है। और अब अनंत सिंह उस मामले में दोषी करार दे दिए गए हैं। अनंत सिंह आज पटना के MPML कोर्ट पहुंचे थे सिविल कोर्ट की, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें दोषी करार दे दिया गया है। आने वाली 21 तारीख को यानी कि 21 जून को सजा के बिंदुओं पर ऐलान जो है वो होना है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये मामला चला था। आपको बता दें, 2019 का वो प्रकरण आपको याद होगा। अनंत सिंह कुछ समय के लिए बिहार छोड़कर भाग गए थे, उसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में उन्होंने जाकर सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें फिर विशेष जहाज से उन्हें फिर पटना लाया गया था, जिसके बाद से वो जेल में है। 2019 से लेकर 2022 तक वह फिलहाल जेल में ही है। पटना के बेउर जेल में उन्हें रखा गया है। और अब सजा की बिंदुओं पर जो ऐलान होना है वो 21 जून को होना है। अनंत सिंह दोषी करार दे दिए गए हैं। अभी की जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, देखिए, अनंत सिंह को लेकर के काफ़ी सारे बातें जो हैं वो पहले भी थी। एक बार रंगदारी के मामले पर भी उन पर मुकदमा हुआ था, हालांकि उस केस में वो बरी हो गए थे जब FSL की टीम ने उनका ऑडियो सैंपल लिया था, जांच किया था। लेकिन अब जब उनके नदमा स्थित गांव से हैंड ग्रेनेड और AK-47 की जो बरामदगी हुई थी, उस वक्त की बाढ़ की ASP लेपी सिंह के नेतृत्व में उस वक्त छापेमारी हुई थी, तब उनके पैतृक आवास जो विधायक का पैतृक आवास है नदमा में, वहाँ से AK-47 की बरामदगी हुई थी, हैंड ग्रेनेड की बरामदगी हुई थी और कई सारे जिंदा कारतूस भी मिले थे। तो ऐसे में उस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी तो हुई, उन्होंने खुद सरेंडर भी किया था, जिस मामले में अब लंबे समय तक जब जाँच हुई, फिर कोर्ट में बहस भी हुई, तब सुनवाई हुई और अब फैसला यह है कि अनंत सिंह दोषी करार दे दिए गए हैं। अनंत सिंह अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि फिलहाल 21 जून को सजा का ऐलान होगा। देखिए, पिछले 3 सालों से वो जेल में ही है। अब ऐसे में देखना यह है कि कितना लंबा समय अभी उन्हें और जेल में बिताना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, क्या वो करेंगे, वो देखना होगा। क्योंकि देखिए, बहुत सारी जो बातें हैं वो चल रही थी अंतोगत्वा, अब फैसला जो है वो आ चुका है। का जजमेंट का डेट था 47 मामले में, 1389 में, तो कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया है। दो एक्यूज थे इस केस में, सुनील राम और विधायक। सजा के बिंदु पर 21 तारीख को रखा गया, 21 जून। आगे क्या करेंगे आप? आगे तो जजमेंट की कॉपी मिलेगी, कितना कन्विक्शन होता है, सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई होगी, क्या पनिशमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग की अपील तो जाना ही जाना है। जब नीचे से कन्विक्शन हुआ हाईकोर्ट जाएंगे। अनंत सिंह की कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब वो पटना के सिविल कोर्ट पहुँचे थे, जहाँ पर उनके तमाम जो समर्थक हैं वो पहले से मौजूद थे। और अनंत सिंह अब दोषी करार दे दिए गए हैं। AK-47 मामले में AK-47 की बरामदगी हुई थी। बाहुबली विधायक मोकामा से RJD के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार दे दिए गए हैं। और अब 21 जून को फैसला होना है, सजा का ऐलान होना है, क्या उन्हें सजा दी जाती है ये देखना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हम हर पल की खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।